दोस्तों आज मैं आप सबको दिखाऊंगी हाई नेक, बोट नेक, डेप्थ नेक और मीडियम नेक। ये जो नेक होता है ना, चार तरह का नेक होता है। इसमें शोल्डर भी चार तरह का होता है और आर्म होल भी चार तरह का होता है। तो आपको मैं पूरा समझाने की कोशिश करूंगी, आप लोगों के साथ साथ मैं आपको भी समझाऊंगी कौन सा बोट नेक है, कौन सा हाई नेक है, कौन सा डीप नेक है, कौन सा मीडियम है और इसमें अलग अलग कैसे मेजरमेंट लेना है। साथ में रहिएगा, पूरा समझाने की कोशिश करूंगी। चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले देखिए, ये हो गया हाई नेक। देखिए हाई नेक पे अलग अलग होता है, इससे थोड़ा ज्यादा भी नीचे की तरफ होता है, 3.5 इंच तक हाई नेक पे होता है, बिल्कुल शोल्डर का चिपका हुआ भी होता है। तो इसमें क्या होता है, जितना आपका शोल्डर होता है ना, उसके साथ हमेशा आपको हाफ पीस ऐड करना है। अगर आपका 14 होता है, उस टाइम इसका हाफ 7 और प्लस इसके साथ आपको हाफ पीस ऐड करना है। ये हो गया हाई नेक पे। पूरा डिटेल्स मैं समझाऊंगी, पहले आप देख लीजिएगा कौन सा डिजाइन पे क्या करना है। अभी बूट नेक पे क्या होता है, अगर 14 आपका शोल्डर होता है तो उसका हाफ कर लेना है 7, इसके साथ आपको कोई भी सिलाई मार्जिन ऐड नहीं करना है। और डेप्थ नेक अगर होता है, उस टाइम पे सीधा आपको 5.5 इंच रख देना है। डिटेल्स से पूरा मैं समझाऊंगी कब क्या करना है। उसको देखिए मीडियम, ये हो गया है मीडियम। तो मीडियम नेक ज्यादा फैला भी नहीं है, ज्यादा छोटा भी नहीं है, ये हो गया मीडियम। तो मीडियम पे शोल्डर आप सीधा 6 इंच रख दो, बाकी कितना कम ज्यादा करना है पूरा मैं समझाऊंगी। पहले इसको अच्छी तरीके से देख लीजिएगा। ये देखने के बाद मैं डिटेल्स भी आपको समझाऊंगी, बूट नेक पे शोल्डर कितना लेना है, आर्म होल कितना लेना है, हाई नेक पे कितना लेना है और डेथ नेक पे कितना लेना है और मीडियम पे कितना लेना है। चलिए दोबारा से देख लेते हूँ कौन सी नेक पे कितना आर्म होल और शोल्डर रखना है। छोटा सा एक वीडियो है, उम्मीद है आपको जरूर हेल्पफुल होने वाला है। वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा बिना स्किप करके। नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ सविता। उम्मीद है आप सब लोग बहुत 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 अच्छे हो, मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। तो फिर चलिए दोस्तों देख लेते हैं। सबसे पहले देखिए, नंबर 1 हाई नेक, बूट नेक, डेप्थ नेक और यहाँ पे मीडियम नेक। तो अभी इसमें देखिए हाई नेक आपको कब समझ में आएगा, ये हाई नेक है। तो कुर्ती में देखिए, अभी जो मेरे बॉडी में ये ड्रेस है ना, ये हाई नेक है। तो हाई नेक और बोट नेक दोनों में फर्क होता है। तो हाई नेक पे क्या होता है, नेक का फैला हुआ ज्यादा नहीं होता है, लेकिन बोट नेक पे नेक का फैला हुआ बहुत ज्यादा होता है। ये दोनों में फर्क है। अभी देखिए हाई नेक पे आपको शोल्डर कितना लेना है, इसमें जितना आपका शोल्डर होगा यहाँ से लेकर यहाँ तक, जितना आपका शोल्डर होगा ना, उसके साथ आपको हाफ पीस ऐड करना है। अगर आपके शोल्डर 14 होता है तब 7 लेना है, उसके साथ आपको हाफ पीस ऐड करना है। क्योंकि देखिए हाई नेक पे यहाँ पे देखिए फैलने का जगह नहीं मिलता है, जिसके कारण आपको सिलाई मार्जिन के लिए हाफ पीस जरूर लेना है। तो अब इसमें आर्म होल कितना लेना है, हाई नेक देखिए जब ब्लाउज होता है तब थोड़ा सा अलग होता है, जब कुर्ती होता है उस टाइम पे थोड़ा सा अलग होता है। अब इसमें देखिए आर्म होल कितना लेना है, तो देखिए हाई नेक पे आर्म होल आप सीधा 6.5 इंच रख दो और कुछ भी नहीं करना है। जितना भी बिग साइज का होना कोई दिक्कत नहीं है, आप 6.5 इंच रख दो, इसमें आपका परफेक्ट होगा। अगर डबल एक्सल होगा ना, उस टाइम पे आप थोड़ा सा बढ़ा लीजिएगा, उस टाइम पे आप 6.75 इंच रख दीजिएगा, अदरवाइज आप 6.5 इंच रख दो, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं होगा। अभी बोट नेक पे देखिए कब आपको समझ में आएगा ये बोट नेक है, कैसे आपको पता चलेगा ये बोट नेक है। देखिये नेक का चौड़ा जब ज्यादा होगा, जैसे 4 इंच 4.5 इंच 5 इंच, जब नेक 5 इंच जब नेक का चौड़ाई होगा, उस टाइम पे आपको सोचना है ये बोट नेक है। तब आपको क्या करना है, जितना आपका शोल्डर है उसका हाफ लेना है, 14 होगा तो उसका हाफ 7 लेना है, इसके साथ कोई भी सिलाई मार्जिन आपको ऐड नहीं करना है। क्योंकि बोट नेक पे नेक फैला हुआ होता है, जिसके कारण ये फैलने का मौका मिलते हैं और नीचे की तरफ झुकने लगते हैं, जिसके कारण आपको यहाँ पे कोई भी सिलाई मार्जिन ऐड नहीं करना है। ये बात आपको ध्यान में रखना है। अभी देखिए बूट नेक पे आप आर्म होल कितना ले सकते हो, देखिए बूट नेक पे आर्म होल थोड़ा ज्यादा लेना है, इसमें देखिए 7 इंच से 7.5 इंच तक होता है। ब्लाउज हो या कुर्ती हो, तरीका आपका यहाँ पे सेम होता है, इस तरीके से आपको लेना है। जितना ब्लाउज का साइज ज्यादा होगा ना, उसी हिसाब से इसमें आर्म होल देना होता है। ब्लाउज हो या कुर्ती हो, स्मॉल साइज के लिए ज्यादातर 7 होता है और बिग साइज के लिए 7.5 इंच आर्म होल होता है। तो बूट नेक पे यहाँ पे मिल गया है। अभी देखिए यहाँ पे है डेप्थ नेक, इस पे देखिए कुछ फॉर्मूला यूज होता ही नहीं, बिल्कुल अलग तरीके से इसमें होता है। देखिए आपको कैसे समझ में आएगा डेप्थ नेक किसको कहते हैं,
देखिए बैक साइड पे जब कुर्ती होता है, कुर्ती पे थोड़ा अलग होता है, जब बैक साइड पे 7, 8, 9, 10 इतना बैक साइड पे यहाँ पे देखिए खुला होता है ना नीचे की तरफ, उस टाइम पे ये डेप्थ नेक है। देखिए स्मॉल साइज के लिए 5.5 इंच रखना है और बिग साइज के लिए आप यहाँ पे 6 इंच रख दो, आपकी यहाँ पे कुर्ती परफेक्ट होगा, लेकिन ब्लाउज के लिए थोड़ा सा अलग होगा। अब इसमें आर्म होल कितना लेना है, इसमें देखिए आर्म होल आप सीधा 6 इंच रख दो और कुछ भी नहीं करना है यहाँ पे, कुछ भी करने का जरूरी है भी नहीं, सीधा रख दो, कितना भी साइज का, छोटा साइज का हो बिग साइज का हो कोई दिक्कत नहीं, आप सीधा 6 इंच रख दो और कुछ भी नहीं करना है। तो अभी देखिए ब्लाउज पे क्या करना है, ये हो गया है कुर्ती के लिए, लेकिन ब्लाउज में आपको क्या करना है, ब्लाउज के लिए आपको कब समझ में आएगा ये डेप्थ नेक है। देखिए ब्लाउज पे जब 9, 10, 11, 12 इतना जब बैक साइड पे खुला होगा ना, उस टाइम पे ये आपका डेप्थ नेक होगा, तब आपको क्या करना है, शोल्डर 6 नहीं लेना है, 6 आपको नहीं लेना है, आपको 5.5 इंच रखना है शोल्डर, लेकिन जब 11 या 12 इंच बैक साइड पे डेप्थ होता है उस टाइम पे सीधा आपको 5 इंच ही रख देना है, इससे ज्यादा आपको नहीं लेना है। तो इस तरीके से अलग अलग जो तरीका है ना, ये आपको ध्यान में रखना है, नहीं तो आपका ब्लाउज हो या कुर्ती हो खराब होने का चांस बहुत ही ज्यादा है। तो डेप्थ नेक यहाँ पे हो गया है। अभी देखिए मीडियम नेक दिखाते हैं। अभी देखिए मीडियम नेक बैक साइड पे कब आपको समझ में आएगा कितना नेक डेप्थ होने से मीडियम होता है। अभी देखिए पहले कुर्ती पे आप देख लो, जैसे 5 इंच, 5.5 इंच, 6 इंच, 6.5 इंच ये हो गया आपका मीडियम बैक साइड पे। जब इतना होगा ना उस टाइम पे सीधा शोल्डर आप 6 इंच रख दो, कोई दिक्कत नहीं है। जब बहुत ही हेवी साइज होगा उस टाइम पे 6.5 इंच लेना है, नहीं तो सीधा आप 6 इंच रख दो, इसमें और कुछ भी नहीं करना है। अभी देखिए इसमें आर्म होल कितना लेना है, आर्म होल आप यहाँ पे सीधा 6 इंच रख दो, इसमें और कोई चेंज करने का जरूरी नहीं है। जब हेवी साइज का होगा इसमें उस टाइम पे आप 6 इंच या 2 सूट ज्यादा रखो, बस परफेक्ट आपका हो गया। तो ये हो गया कुर्ती और कमीज के लिए। अभी देखिए ब्लाउज के लिए आपको क्या करना है, तो आपको समझ में आएगा ये मीडियम है। बैक साइड पे देखिए जब यहाँ पे 7 इंच होगा, 8 इंच होगा, 8.5 इंच होगा, यस 6.5 इंच होगा। देखिए बैक साइड पे जब 6.5 इंच या 7 इंच होगा उस टाइम पे आप शोल्डर सीधा 6 इंच रख दो, जब 8 या 8.5 इंच होता है उस टाइम पे आप 5.5 इंच रख दो। इस तरीके से आप कर लो, कोई दिक्कत नहीं होगा, आपका परफेक्ट होगा। लेकिन इसमें आर्म होल आपको कितना लेना है वो देख लीजिएगा। आर्म होल के लिए आपको कोई भी झंझट करने का यहाँ पे जरूरी नहीं है। जब बैक साइड पे 6.5 या 7 इंच होता है उस टाइम पे आर्म होल आप सीधा 6 इंच रख दो, ठीक है। जब आपका 8 या 8.5 इंच होता है उस टाइम पे आप 5.75 इंच यहाँ पे आर्म होल रख दो, लेकिन जब बिग साइज होता है ना, साइज बहुत ज्यादा होता है उस टाइम पे आप 6 इंच सीधा आर्म होल रख दो और कोई दिक्कत नहीं होगा, आपका ड्रेस यहाँ पे परफेक्ट होगा। तो इस तरीके से आपको कर लेना है। उम्मीद है आपको भी समझ में आया होगा कितना बैक साइड पे डेप्थ होने से कितना शोल्डर लेना है और कितना आर्म होल लेना है। अगर ये आपको समझ में आ गया ना, उसके बाद देखिएगा आपको कहीं पे कोई भी दिक्कत नहीं होगा। दोस्तों उम्मीद है आपको भी समझ में आया होगा, उसके बाद भी कहीं पे कोई भी डाउट रहता है कमेंट में जरूर लिख देना, मैं दोबारा से आपको समझाने की कोशिश करूंगी। वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।